बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंचर फ्री लिक्विड टायर में डालने का तरीका, अहमद साहब टायर में डाल रहे हैं पंचर फ्री लिक्विड। पहले टायर को लूज़ किया है, अभी उसमें से हवा निकाल रहे हैं। हवा कम करेंगे इसमें से, थोड़ी सी और कम कर लें, हाँ थोड़ी और कर लें, लिक्विड जाएगा। अभी ये इसमें लिक्विड, पहले इसको हिलाएंगे, हिलाएं जी लिक्विड को, सही इसको हिलाएं। उसके बाद इसको अभी ऊपर से इसका ढकना उतारें, ये ढकना उतार रहे हैं ऊपर से इसका। अभी इसका ये पंप साथ लगाएं, इसको टाइट करें इसके साथ, इसके साथ टाइट कर रहे हैं। अभी इसको आप पंपिंग करें, हो रहा है जी पंप जी, ज़बरदस्त हो रहा है, बिल्कुल एकदम काम कर रहा है। अच्छा, इसमें निसफ आपने इसे पीछे 200 पॉइंट आगे डालना है, बाकी पीछे आपको नज़र आ रहा है जाते हुए, देखें नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल जा रहा है, हवा भी टाइट हो रही है, ये देखिए टाइट हो रही है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो अभी आधा होने वाला है तकरीबन, ठीक हो गया जी, बस तकरीबन हो गया आधा, हवा भी इसकी वापस फुल हो गई, ठीक हो गया। डालना पड़ेगा, डाल ले थोड़ा सा, ये लिक्विड जो आप ट्यूब के अंदर डालेंगे, अगर ट्यूब आपकी नई है तो 1 साल की हम आपको गारंटी देंगे इसकी जनाब। 1 साल के अंदर अगर ट्यूब ख़राब हो जाए, आपने ट्यूब के साथ छेड़ना नहीं है, यानी पंचर कील लगती है, जो छोटी चीज़ें लग के पंचर होती हैं, अगर लगती हैं तो वो आप हमें ये वापस कर दें, आपको हम नई बाटल हम आपको देंगे, ठीक है। लेकिन पंचर का ये है कि आपकी ट्यूब की नलकी ना टूटे, क्योंकि और प्रेस ट्यूब ना फटे पूरी, वो जैसे जॉइंट से टूटती है, नया लिक्विड है कोई, देखो पहले कुछ और था, इस दफा कुछ तो है। आपको ये वारंटी है जनाब कि 1 साल अगर आपका लिक्विड आप हमसे खरीदते हैं ख़राब होता है, पंचर करके देखें तो, हाँ पंचर करें, आपको जनाब लिक्विड वापस नई बाटल मिलेगी। ये लें जी, ये कील लें, पहले टायर को घुमाएं, घुमाएं घुमाएं, तेज़ घुमाएं ना, हाँ ऐसे टायर घुमाएं और थोड़ा घुमा लें, चले जी अभी इसमें करें, हवा पूरी हो गई वापस उसकी ना, हाँ मशीन से चेक कर लेते हैं। अब खैर, अगर आप इसको कर लें, कील लगाएं ना, कील लगाएं इसके अंदर, क्या करें, हवा का कोई इशू नहीं, हवा बंदे की वो जब भी निकालेंगे हवा नॉर्मल निकाल पूरी हो जाएगी, कील लगाएंगे इसमें ऐसे पकड़ें। ये मेरी ट्यूब जो है नई है, इसमें कोई पंचर नहीं, नई ट्यूब है, क्या करें, जाने दें जी, ठोकर लगाएं पीछे से हथौड़ी की, हथौड़ी की ठोकर लगाएं, नहीं नहीं हथौड़ी कील अंदर चली गई, कील चला गया अंदर, इसमें कील थोड़ा सा और अंदर करें, जाने दें, पार पार हो जाएगा, चलो इतना लंबा कील है, ये नहीं ठीक है, बस चले जी वापस बाहर आ, बहुत अंदर चला गया, देखो ये देखो, अरे हवा नहीं निकली, लैब लगाएं इसके ऊपर, देखो बंद हो गया, हवा निकली नहीं है बिल्कुल भी, धूप लगाएं इसके ऊपर, धूप लगाएं, धूप लगाते हैं ये, तो पहले वाले था उसमें तो फिर थोड़ी सी हवा लीक हो गई ना, तो वो फिर रुकता था, ये तो उसी टाइम रुक गया, अब टायर घुमा ले, टायर घुमा ले, तो जो भी भाई हमसे लेगा जनाब, अगर उसका इस तरह पंचर काम नहीं करता, वो ट्यूब पूरी की पूरी हमें उसी तरह बंद करे, शॉपर में डाले, हमारे पास ले आए, हम जिस बंदे को देंगे उसका डेट और उसका नंबर अपने पास और नाम लिख लेंगे, 1 साल तक हम उसको वारंटी देते, जब तक उसकी ट्यूब है 5 साल तक ये लिक्विड रहता है, जोड़ ना फटे, नोजल ना फटे, नोजल ना टूटे, बाकी कोई चोरी इस तरह की, मतलब जैसे कैंची टाइप होती है इस तरह का, अगर कोई पंचर होता है तो वो ज़ाहिर है वो टायर भी ख़राब होता है, वो सारा कुछ ख़राब हो जाता है, लेकिन जो पंचर कील वगैरह का, जो पंचर होता है कील का, कोई कांटा वगैरह का, वो इंशाल्लाह इसमें से आपके टायर को कुछ भी नहीं होगा और ना ही हवा कम होती है, ठीक है भाई जान।
चलिए जी अल्लाह हाफिज़।